इस किचन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ ना वो 99.99% करेक्ट है, बिकॉज इसमें केंटो टू गलार के पोकेमोन होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि केंटो के ज़्यादा होंगे तो गलार के कम होंगे, नहीं, हर एक रीजन से इक्वली पोकेमोन को हम लोग चूज करेंगे। यानी कि सबसे पहले केंटो टू गलार 8 रीजन से हम दो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को चूज करेंगे, यानी कि 16 पोकेमोन हमारे पास आएंगे। फिर 4 पोकेमोन को वाइल्ड कार्ड के जरिए हम इस वीडियो के अंदर लाएंगे, हमारे पास आएंगे 20 पोकेमोन्स। फिर हम उनको रैंक करेंगे ताकि हमको मिल जाए टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। और ये लिस्ट जो है 99.99% करेक्ट होने वाली है, जिससे आप लोग भी एग्री करोगे। बता रहा हूँ, रैंकिंग करते करते मेरी हालत खराब हो गई, मेरी हालत सही करने के लिए सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंटो से। केंटो से जो पोकेमोन आ रहा है वो है चाइजार्ड, बिकॉज ये काफ़ी पावरफुल है। दूसरा होगा स्नोलेक्स, बिकॉज ये बेस्ट पोकेमोन है इस किचम का। फिर बात करते हैं जोटो से। जोटो से जो दो पोकेमोन आ रहे हैं वो होगा हैराक्रोस, बिकॉज ये वहाँ का पावर हाउस था। दूसरा होगा नोकडाउल, बिकॉज ये साइनी भी था और थोड़ी बहुत इसके पास पावर भी थी। फिर बात करते हैं होविन से। होविन से जो पोकेमोन आ रहा है वो होगा सेप्टाइल प्लस स्वेलो। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि सेप्टाइल भले ही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन था होविन का, लेकिन इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन सेप्टाइल से भी ज़्यादा जो डिजर्व करता है वो स्वेलो है। कैसे मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। फिर बात करते हैं सिनो के बारे में। यहाँ से जिस पोकेमोन को मैं सिलेक्ट करूँगा वो होगा इन्फर्नेप प्लस क्लाइस्कर। क्लाइस्कर की रियल पावर तुम्हें आइडिया नहीं है, भले ये मोस्ट रिमेंबर पोकेमोन नहीं हो इस किचम का, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल था। फिर बात करते हैं यूनोवा के बारे में। यहाँ से हम जिस दो पोकेमोन को सिलेक्ट करेंगे वो होगा क्रोकोडाइल प्लस पिकनाइट। दोनों की जोड़ी कमाल की है। फिर बात करते हैं केलोस से। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है इसमें होगा ग्रीनिंजा प्लस गुडरा। फिर बात करते हैं एलोला से। इसमें जो पोकेमोन आएंगे वो होगा लाइकेनरोक प्लस इंसिनेरोर पोकेमोन, बिकॉज ये दोनों वहाँ के सुपर पावरफुल पावर हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेमिक पोकेमोन थे। फिर बात करते हैं गलार से। यहाँ के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है वो है लुकारियो प्लस ड्रैगनाइट। अब बात करते हैं 4 वाइल्ड कार्ड पोकेमोन के लिए, ताकि टॉप 20 वीडियो जो है कंप्लीट हो सके। इसमें मैं सबसे पहला पोकेमोन चूज करूँगा पिकाचू को, किंगार को, मेलमेटल को, किंगलर को। तो अब इनको रैंक करना शुरू करते हैं। नंबर 20 नोकडाउल। नोकडाउल ब्ले स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन था। इसमें पोटेंशियल था कि इसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बन सके। अगर एस केचम इसका प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज़ करता तो ये पोकेमोन टॉप 10 में आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी के लिए टॉप 20 पाएगा। सॉरी नोकडाउल फैंस। नंबर 19 पिकनाइट। पिकनाइट भी काफ़ी पावरफुल पोकेमोन था, लेकिन अगर ये फुल्ली इवॉल्व हो जाता तो ये वीडियो में ऊपर आ सकता था, लेकिन अभी के लिए 19 पे आता है। नंबर 18 क्लाइस्कर पोकेमोन। क्लाइस्कर पोकेमोन पहले थोड़ा वीक था, लेकिन कुछ समय के लिए ये ट्रेनिंग पे गया था और जब ये लोड कर आया था गीगा इंपैक्ट जैसे पावरफुल अटैक को ये सीख कर आया था स्टोन एज। भाई साहब कितना पावरफुल बन गया था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिनो रीजन नहीं देखा है ना, एक बार जाके देख के आओ, पता चल जाएगा क्लाइस्कर कितना पावरफुल था। नंबर 17 किंगलर पोकेमोन। किंगलर पोकेमोन बिना ट्रेनिंग के सामने के तीनों पोकेमोन को हरा दे, इतना पावरफुल पोकेमोन आपने कहीं देखा है, वो भी पोकेमोन लीग में। अभी तक यार किंगलर जैसा सेवेज पोकेमोन, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पोकेमोन लीग में इसके सामने यूज ही नहीं किया है। ये आता है नंबर 17 पर। नंबर 16 स्वेलो। अगर मैं आपसे पूछूं इसका होविन रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है तो तुम लोग बोलोगे सेप्टाइल, लेकिन मैं बोलूँगा स्वेलो, बिकॉज ये इतना पावरफुल था कि इलेक्ट्रिक टाइप से भी इसके सामने कुछ फर्क नहीं पड़ता था। डैश वही आता है नंबर 16 पर। नंबर 15 मेलमेटल। मेलमेटल एक मिथिकल पोकेमोन है, वो भी नंबर 15 पर आ रहा है। तो सोचो आगे आने वाले पोकेमोन कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। नंबर 14 इंसिनेरोर पोकेमोन। ये पोकेमोन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि प्रोफेसर कुकुई के पोकेमोन को भी इसने हरा दिया था। सोचो चैंपियन लेवल पोकेमोन को हरा दिया, तो ये नंबर 14 पे तो
डिजर्व करते ही है। नंबर 13 गुड्रा पोकेमोन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसकी विन परसेंटेज है 100%, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी विन परसेंटेज 100% तो कतई नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है, दैट्स व्हाई ये नंबर 13 पर आता है। नंबर 12 जीमैक्स पोकेमोन गेंगार। गेंगार पोकेमोन तो यार इतना ज़्यादा पावरफुल है, जिस पोकेमोन को ड्रैगनाइट नहीं हरा पाया उसको गेंगार ने जीमैक्स फॉर्म में जाकर हरा दिया। आय हाय, इसको बोलते हैं पावरफुल पोकेमोन। नंबर 11 हेराक्रोस पोकेमोन। ये पोकेमोन जोट रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। इसने गैरी के मेघमार को हराया हुआ है। टाइप डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी मेघमार को हरा दिया। तो सोच सकते हो ना इसका ये पोकेमोन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यहाँ तक कि तो इसको जोटो के स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग मिली थी, बाद में प्रोफेसर की लैब में चला गया था। नंबर 10 लाइकेनरॉक पोकेमोन। लाइकेनरॉक पोकेमोन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसने ग्लेडियन को हराया और इसको बनाया पहली बार किसी लीग का विनर, डैट्स वाई ये नंबर 10 पर आता है। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर पोकेमोन भी है इस किचम का। नंबर 9 स्नोलैक्स पोकेमोन। ये पोकेमोन है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन तो भले ही ना हो, बट ये इसका बेस्ट पोकेमोन है। लेकिन पावर के मामले में भी ये कुछ कम नहीं है। ये भी टाइप डिसएडवांटेज होते हुए भी पोकेमोन ट्रेनर्स को हराता है। नॉर्मल टाइप पोकेमोन होते हुए फाइटिंग टाइप पोकेमोन को बैटल फ्रंटियर में हराया हुआ है। 5 से ज़्यादा मूव्स को इस्तेमाल किया हुआ है। तो और क्या चाहिए नंबर 9 पर आने के लिए। नंबर 8 ड्रैगनाइट। अभी रायर के बैटल से पहले इसकी विन परसेंटेज थी 100%, लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत वीक हो चुका है। अगर वो इस बैटल को नहीं हारता तो ये टॉप 5 में आराम से आ जाता। लेकिन अभी भी ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफ़ी अच्छी तरीके से मुकाबला करेगा, दैट्स व्हाई ये आता है नंबर 8 पर। नंबर 7 क्रोकोडाइल। भले ही क्रोकोडाइल को लोग वीक समझे, लेकिन यूनोवा का ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन था। इसने ड्रैगनाइट जैसे पावरफुल अपोनेंट से मुकाबला किया हुआ है। और यहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा, अगर क्रोकोडाइल यूनोवा में नहीं होता तो ये पोकेमोन लीग में सबसे पहले बार उड़ता, बिकॉज क्रोकोडाइल ने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे करके दिखाई। नंबर 6 सेप्टाइल। सेप्टाइल पोकेमोन होविन में अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन स्वेलो से थोड़ी कम। लेकिन आगे आने वाले समय में बैटल फ्रंटियर में और विशिनो लीग में इसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। जैसे इसने डाकराय को हराया, ये बन गया इसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, दैट्स व्हाई ये आता है नंबर 6 पर। नंबर 5 लुकारियो पोकेमोन। ये पोकेमोन आने वाले समय में और भी ऊपर जाएगा, बिकॉज इसने ग्रीनजा से ट्रेनिंग ली है और अब उनकी पावर है। इसका पहला मेगा पोकेमोन है और लुकारियो और इसकी ओरा काफ़ी पावरफुल है, और दैट्स व्हाई इसने काफ़ी पावरफुल पोकेमोन्स को हराया हुआ है, ट्रेनिंग करता रहता है। तो दैट्स व्हाई ये इसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। अभी के लिए आता है नंबर 5 पर। नंबर 4 इन्फर्नेट पोकेमोन। ये पोकेमोन की स्टोरी सबसे बेस्ट थी। अभी तक इसके पास जितने भी पोकेमोन है, स्टोरी के मामले में ये पोकेमोन सबसे ज़्यादा औसम है, लेकिन पावर के मामले में भी ये कुछ कम नहीं है। ब्लेज पावर, जिसने हम सबको हैरान कर दिया, जिसने अपने ही पुराने वाले ट्रेनर को पोल को हरा कर एस को बना दिया वन ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ एस। फिर उसने पोल को हरा दिया, जिसके कारण इन्फर्नेप जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। लेकिन अभी आने वाले समय में ये वापस आया था और मोल्ट्रेस से हार गया था, डैट्स वाई थोड़े से फैंस की नज़र में ये वीक हो गया। लेकिन मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, वहाँ पे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से तो इन्फर्नेप काफ़ी पावरफुल है, डैट्स वाई ये नंबर 4 पर आता है। नंबर 3 पिकाचू के पास जी मैक्स फॉर्म है, इसके पास जी मू की पावर है और ये काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है। इसने लेजेंडरीज में टापू कोको और रेजियाइस जैसे पोकेमोन को हराया हुआ है। लेटियोस या फिर लेटियस जो भी पोकेमोन था उसके साथ ड्रॉ किया हुआ है, डैट्स व्हाई ये आता है नंबर 3 पर। अब बात करते हैं सबसे कठिन पड़ाव की ओर, और वो है नंबर 2 एंड नंबर 1। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा भयानक है, बिकॉज यहाँ पे है चाइजार्ड एंड ग्रीनजा। तो मेरे हिसाब से नंबर 2 पे चाइजार्ड भी है, ग्रीनजा भी है, एंड नंबर 1 पर भी चाइजार्ड भी है, ग्रीनजा भी है। मैं तो इसका फैसला नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे लफड़े पे नहीं जाना है। तुम तो वीडियो देख के भाग जाओगे, लेकिन गालियाँ पड़ेगी मुझे। दोनों के फैंस ओपी, दोनों पोकेमोन पावरफुल, दोनों 1 पर, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो वीडियो यहीं तक था, दोनों फैंस खुश हो गए, सब्सक्राइब करो, पगवीज का आंसर दो, बाय बाय।